हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रणीत हियर और आज मैं जा रहा हूँ इगतपुरी। आज मेरे साथ एक सब्सक्राइबर भी ज्वाइन करने वाला है, थाने में रुकेगा। वो विक्रोली में किधर रुका है तो मैंने उसको बोला थाने टोल नाका पे रुकने। यूजुअली मैं अकेले ट्रैवल करना प्रीफर करता हूँ क्योंकि अकेले में हम किधर भी रुक सकते हैं, कितना भी टाइम रुक सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। तो लेकिन जब साथ में कोई रहता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ बाहर नहीं रुक सकते थोड़ा जल्दी, क्योंकि दूसरों का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, अपना टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं यूजुअली अकेले ट्रैवल करने प्रीफर करता हूँ। सो देखते कैसा जाता है। लास्ट मंडे का ही प्लान था लेकिन फिर मेरा बाइक खराब हो गया। खराब हुआ नहीं, मतलब वो कार्बोरेटर जो है उसमें थोड़ा कचरा हो गया था, तो उसको धुलवा दिया पूरा प्रॉपरली और धुलाया अभी है, प्रॉपर है। चलो निकलते हैं, अभी लेट नहीं हो रहा है, टाइम पे। आज कभी भी बारिश हो सकता है, अभी भी बादल आ गए, रात तक नहीं थे, सुबह तक बादल नहीं थे, अभी जस्ट अभी अभी आए। जल्दी आ गया मैं, कुछ 8:20 को आ गया, तो अभी मैं रुकता हूँ। अरे चलेगा ब्रो, आप मेरे को। ओके, सो फाइनली हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर ज्वाइन हो गए। सो अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण है। किरण, ये उनकी बर्गमैन है और ये हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक आपका BS6 है, राइट? नहीं, BS4 ही है क्या? ओके ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अपने लेकर आए सब, और बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं तो साथ में ही रहते हैं, ऐसा ज़्यादा गैप मेंटेन नहीं करते, ठीक है? चलो फिर। सो मैंने ले लिया अपना फर्स्ट ब्रेक, सॉरी हमने ले लिया अपना फर्स्ट ब्रेक। अभी हम खा रहे हैं हमारा इडली, नॉर्मल रेगुलर, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं, कुछ एकदम सिंपल सा। हम लोग ने कवर किया है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है। ज़्यादा बात हो नहीं पाया राइड के टाइम पे, लेकिन अभी प्रॉपरली बात करने मिल रहा है। सो खा के और बात करके बाद में आपसे बात करते हैं। सो अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट में थे, यहाँ पर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और अभी और 50 किलोमीटर्स जाना है। तो वी गांव जाते हुए ये जो रास्ता है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। जस्ट जा रहा था आगे और मैंने जस्ट देखा तो मैंने यू टर्न मार लिया। यहाँ का व्यू देखो, छोटा सा गांव भी है यहाँ पे, गांव है यहाँ पे। आज एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी है लेकिन क्लियर हो गया करके मेरे को सब चीज़ें बराबर दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए ग्रीनरी यहाँ पे पहाड़ पे, नीचे भी जा सकते हैं बट रिस्की है थोड़ा, तो नहीं जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत है रोड पे और चांसेस है कि मिट्टी पे फिसल जाएगी भाई, क्योंकि पीछे का टायर थोड़ा छोटा है और हमेशा स्किड होता है। तो ऐसे रोड पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उतना अच्छा, इसके लिए मैं उतना रिस्क लूँगा नहीं। एक तो मेरे साथ एक और है साथ में, तो आई थिंक सेफ्टी के लिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, बट फिर भी खूबसूरत तो है ही आज का वेदर। एक्चुअली धूप है लेकिन स्काई क्लियर हो गया तो करके और अच्छे से दिखाई दे रहा है। धूप पड़ रही है देखो पहाड़ों के ऊपर, सामने जो पहाड़ है देखो उस पर कितना मस्त धूप पड़ रहा है और कितना ग्रीनरी दिख रहा है। तो आई गेस भगवान ने बोला कि आज वेदर क्लियर कर देता हूँ सो दैट
अच्छा व्यू मिले, अच्छा फ़ोटोज़ मिले, तो अभी मैं फ़ोटोज़ ले लेता हूँ अच्छे खासे। बट यहाँ पे रुका सीनरी देखने के लिए, और जब से हाईवे छोड़ा है तब से सीनरी बहुत अच्छा हो गया, बहुत बदल गया है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हम लोग आ गए, आई थिंक यहीं पर है, श्योर नहीं हूँ, आवाज़ तो आ रही है, हाँ यहीं पर है, नीचे है, यहाँ पर है। तो आई थिंक अपने सीढ़ी से जाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे उतर के जाना पड़ेगा, चल जाते हैं। अरे बंद है, तो उन लोग कैसे गए वहाँ पे? ये गांव वाले नहीं लग रहे, गांव वाले क्या? नहीं इन गांव वाले नहीं है, इधर से तो पॉसिबल ही नहीं है, वो साइड किधर रहेगा रास्ता। ओके सो हम आ गए वाटरफॉल के यहाँ पे, बहुत मुश्किल से है, बंद था एक्चुअली। तो एक गांव वाले को 40 रुपये का बोला, 40 रुपये देगा तो वो जाने देगा, इसके लिए उसके साथ डील किया 40 रुपये का, और उसने रास्ता बता दिया, दो जन का है तो वो एक जन का 20 रुपये। और यहाँ पे है वाटरफॉल, फाइनली एक बड़ा वाला वाटरफॉल देखा, यूजुअली सब छोटे छोटे रहते हैं। अभी मैं नहाने वाला हूँ, टी शर्ट लाया लेकिन पैंट नहीं है मेरा, वो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट वाटरफॉल में तो नहा लेता हूँ, नहा सकता हूँ। नहा के हो गए, ऊपर आ गए, यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ है, उतरना जितना इजी था चढ़ना उतना ही डिफिकल्ट था, लेकिन नहा के मज़ा आया, अभी फ्रेश लग रहा है, पहले पूरा धूप की वजह से पसीना हो गया था, बट अभी मैं प्रॉपरली फ्रेश हो गया हूँ, अभी निकल रहे, देखते आगे जाके कुछ मिलता है क्या, नहीं तो फिर लंच भी करना है, तो लंच करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। वो भी थक के बैठ गया मैं भी थक के बैठ गया हूँ। मैं अभी इसको बोल रहा था कि मैं ट्रैकिंग करने का सोच रहा था, और इतना सा सीढ़ी चढ़ के ही हालत हो गया, और प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा, बहुत प्रैक्टिस लगेगा। कल सुबह का ट्रैक एटलीस्ट 3 घंटे का रहता ही है, और यहाँ पे 5 मिनट में ही हालत हो गई। मुझे लगा मैं शायद जॉगिंग करता हूँ तो शायद कुछ हेल्प पड़ता होगा, कुछ हेल्प नहीं पड़ता है। टी शर्ट चेंज कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, सो अभी यहाँ पे देखते हैं आसपास कुछ रहेगा तो वहाँ पे चले जाएंगे। अभी तक कैसा लग रहा है बता? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आना चाहिए, और भाई गाइड भी कर रहे हैं, सब कुछ तो टेंशन नहीं। लेकिन तू नहाने तो गया ही नहीं वाटरफॉल में? नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं, हम लोग निकलते हैं राइड के लिए, देखते हैं आसपास कुछ मिलेगा तो अच्छा खासा। ओके सो हम लोग हैं अभी वही गांव ब्रिज पे, ये मैंने मैप में देखा था लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बहुत ज़्यादा हाइट है, पर यहाँ पे आपको शायद मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत है, बट यहाँ पे हाइट भी बहुत है, ये लिटरली आई थिंक आराम से एक 10 से 15 फ्लोर तो रहेगा ही, इतना हाइट है यहाँ पे। ओए पानी, क्या मस्त सीनरी है ना, मैं भी क्या कैमरा में बात कर रहा हूँ, आपको मेरा आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रहा होगा, विंड बहुत है ना, ये भाई ने बोला अभी बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग ने ब्रेक लिया है, हमारा लंच का ब्रेक है, और अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहा है, और हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो निकालने के चक्कर में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, और ये भाई का भी टाइम वेस्ट हो गया एक्चुअली, देखिए नहीं हुआ ना, मेरा हमेशा इसी लेट ही होता है लंच,
कभी जब भी ट्रिप पे जाता हूँ ना 3-4 बजे ही लेट लंच होता है। इधर से घाट उतरने के टाइम थोड़ा फटा था मेरा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली वन वे है ना, ये सिर्फ गांव वालों को अलाउड है यहाँ से आना। जब हम लोग रूट किए हम लोग को एक्चुअली ये रोड से आना था, ऊपर जाके घूम के आना पड़ता है। अभी ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी, लहसुनी पालक और एक और आइटम है। सो हम लोग का खाना आ गया है और अभी हम लोग बस दबा के खाने वाले हैं। जब तक आप टाइम लैप्स देख लो, मैं कुछ टाइम लैप्स इधर लगा देता हूँ, आप टाइम लैप्स देखो, हम खाना खा लेते हैं। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बजे 4:30 के आसपास और हम लोग ये रेस्टोरेंट में थे समथिंग कुछ, तो एक मिनट वापस पढ़ के दिखा रहा हूँ। होटल स्टार ऑफ हाईवे, सो दैट्स द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। हम लोग ने अभी खाना खा लिया, आई थिंक हम लोग को घर पहुँचते होते 7:30-8 बज सकते हैं, डिपेंड करता है। वैसे तो रोड सीधा सीधा ही है, लेकिन एक बार जब कल्याण के आगे जब टोल का रोड ख़त्म होता है ना, उसके बाद रोड थोड़ा ख़राब है तो वहाँ पे थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है, तो वहाँ पे देर हो सकती है। यहाँ से वहाँ तक आराम से 60-70 पे चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को थोड़ा स्लो ही चलाना पड़ेगा। या चलो चलते हैं, फिर कैमरा भी चार्ज हो गया और हम लोग भी फुली चार्ज हो गए, पूरा पेट भर चुका है। पहले मैं सोचा थोड़ा वॉकिंग कर लूँ, लेकिन वॉकिंग करने में अभी हमको पक रहा है क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग निकल ही जाते हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गया विक्रोली और यहाँ पे ये भाई अलग होने वाले हैं। कैसा लगा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया। ओके, थोड़ा भी बोर नहीं हुआ? एक्चुअली मैं बहुत सारे जगह पे रुक रुक के वीडियोस निकालता हूँ, तो इसको भी रुकना पड़ा मेरे ओके। भाई ने मेरे को हेल्प भी किया बहुत अच्छा, वीडियोज निकालने में, फोटोज निकालने में, सो उसके लिए भी थैंक यू। सो आ गया घर पे। मैंने कुछ 53 किलोमीटर्स कवर किया। सो यार मज़ा आया एक्चुअली, फर्स्ट टाइम किसी सब्सक्राइबर के साथ गया। मैं तो एक्चुअली सरप्राइज है, पेशेंस बहुत है उसमें बेसिकली। मैं तो क्योंकि एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर 10-15 मिनट के बाद रुकता हूँ वीडियोस निकालने के लिए कोई अच्छा लोकेशन, फिर भी मैंने रुका नहीं, सोचा रहने दो। वैसे भी उसका भी फर्स्ट टाइम राइड किया है, वो यूजुअली जाता है लेकिन गाड़ी में जाते हैं, पर फर्स्ट टाइम राइड किया तो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा था। फर्स्ट टाइम किसी के स्ट्रेंजर के साथ जा रहा था तो थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा एंड ऑल, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था वो, एकदम सिंपल सीधा साधा लग रहा है मेरे जैसे ही था। तो मैं आ गया घर पे, बजे कुछ 7:30 एक्चुअली, आज मैं जल्दी आ गया कंपेरेटिवली, यूजुअली मेरे को 10-10:30 बज जाता है, लेकिन आज मैं 7:30 तक ही आ गया। जिसके साथ गया था उसके साथ भी मज़ा आया, होपफुली उसको मज़ा आया हो। ओ या आज मैंने माइलेज भी कैलकुलेट किया, ऐसे ही मन किया सोचा कर लेता हूँ, तो आज के ट्रिप का मेरे को मिला है 53.9 में कुछ था, तो 54 पकड़ लो, 54 का माइलेज मिला। बट यार जितना भी चलाया मज़ा आया, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक देना, शेयर देना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम एंड स्टे सेफ एंड।